अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रुखसास किचन। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल काली मिर्च चिकन, जिसको बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही यमी बनता है। आप इसको रुमाली रोटी, बटर नान या फिर नान के साथ या फिर सादे रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका प्रोसीजर। तो इसके लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम चिकन लिया है विद बोन्स, आप चाहे तो बोनलेस भी ले सकते हैं। तो चिकन को मैंने अच्छे से धोकर पानी निकाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 200 ग्राम दही, दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। दही डालने के बाद इसमें हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून। तो काली मिर्च को मैंने भूनकर मोटा मोटा पीस लिया है। अब हम इसमें चिकन के हिसाब से नमक डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून नमक डाला है। नमक डालकर सारे चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब चिकन को हम आधा घंटा फ्रिज में रख देंगे। तो जब तक हमारा चिकन मैरिनेट होता रहेगा, तब तक हम मसाले तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 प्याज लिए हैं मोटे कटे हुए, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 7 लहसुन, 1 हरी मिर्च और 50 ग्राम काजू, जिसको मैंने भिगा कर रख दिया था। तो यहाँ पर मैंने एक पैन को गर्म कर लिया है। उसके बाद इसमें हम 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटे इलायची और 1 लौंग। हल्का सा हम इसको सौटे कर लेंगे। तो हल्का सौटे होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन, कटी हुई प्याज और हरी मिर्च। काजू अभी हम नहीं डालेंगे, काजू को थोड़ी देर से डालेंगे। तो प्याज को हमें थोड़ा सा मुरझाने तक पकाना है, हाई फ्लेम पर 1 मिनट तक। तो 1 मिनट मैंने इसको पका लिया है। अब हम इसमें भीगे हुए काजू डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम आधा ग्लास पानी डालेंगे और ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पर 15 मिनट तक पका लेंगे, ताकि प्याज और काजू अच्छे से नरम हो जाए। तो 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर लेंगे और ढक्कन हटा लेंगे और इन सारे चीजों को ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसमें से हम साबित मसाले हटा देंगे, जैसे कि तेज पत्ता, बड़ी इलायची और लौंग। हरी इलायची हम रहने देंगे, क्योंकि इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो ये मसाले अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसको एक मिक्सर जार में डालेंगे और बिल्कुल फाइन पेस्ट में पीस लेंगे। तो मसाले को मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है। अब हम एक पैन को गर्म करेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल और 1 चम्मच घी, आप चाहे तो घी के बजाय बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हम पिसे हुए मसाले, जो काजू, प्याज, अदरक लहसुन और हरी मिर्च है, वो डाल देंगे। अब हम मसालों को भून लेंगे हाई फ्लेम पर चलाते हुए, जब तक इससे तेल न छूटे। तो देखिए, 1 से 2 मिनट भुनने के बाद इसमें से तेल छूटने लगा है। अब हम इसमें मैरिनेटेड चिकन डाल देंगे और यहाँ पर गैस के फ्लेम को लो रखेंगे, ताकि दही फटे नहीं। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे पानी। तो जार को थोड़ा सा मसाला लगा हुआ था और चिकन जिसमें मैंने मैरिनेट कर लिया था उसको दही लगा हुआ था, तो दोनों को मैंने खंगाल कर उसका पानी डाला है, आधा ग्लास। तो पानी डालने के बाद इसको हम ढक्कन लगा देंगे और लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट या फिर चिकन अच्छे से नरम होने तक इसको हम पका लेंगे। तो चिकन को मैंने बीच बीच में चलाते हुए 20 मिनट लो फ्लेम पर पका लिया है। आप देख सकते हैं तेल भी ऊपर आ गया है और चिकन भी अच्छे से नरम पक चुका है। तो यहाँ पर थोड़ा सा नमक कम है, तो यहाँ पर मैं 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। अगर पहले डालते तो थोड़ा सा काला काला कलर आ जाएगा, इसलिए मैं लास्ट स्टेज पे काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। उसके बाद इसमें हम डालेंगे फ्रेश क्रीम 2 टेबल स्पून, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो अवॉइड भी कर सकते। क्रीम डालने से थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर आएगा इसमें। अब हम इसको फिर से ढक्कन लगाएंगे और लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट पका लेंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर लेंगे। तो लीजिए, बहुत ही टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल काली मिर्च चिकन बनकर तैयार है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना क्रीमी टेक्सचर है ग्रेवी का, बहुत ही लजीज बना है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, आप रेस्टोरेंट जाना भी भूल जाएंगे अगर एक बार इसको घर पर बनाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग रुखसास किचन।